नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, मतलब कि हम बात करेंगे TTML के बारे में। ये जो शेयर था काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़े हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसा बना के दे रहा था और उसमें लगातार बहुत ही तगड़ी तेज़ी बनी हुई थी। जिसमें हाल फिलहाल जो से खबरें आई थी टाटा के सुपर ऐप से रिलेटेड जो खबर आई थी, उसके अलावा इसका जो नाम चेंज हुआ था TTBS में, उसके वजह से जो इसमें तेज़ी लगी हुई थी वो तेज़ी अब टूट चुकी है। और इसमें कल जो लोअर सर्किट लगा उसके बाद अब लगातार दूसरे दिन इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। हमने आपको इस शेयर के लिए आगाह भी किया था कि इसमें हो सकता है कि कुछ दिनों में गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि ये जो शेयर था लगातार ये लगभग 30 अपर सर्किट खा चुका था, ऑलमोस्ट 30 अपर सर्किट इसने खाए थे। तो एक शेयर के लिए इतनी ज़्यादा तेज़ी होना तो एक दिक्कत की बात जरूर होती है और उसमें वही दिक्कत अब दिखाई दे रही है। तो अब इसमें आगे क्या होने वाला है, ये कहाँ तक गिरने वाला है और इसमें अगर तेज़ी आती है तो ये तेज़ी कब आएगी और कहाँ तक जाएगी, तो मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो हम चल के देखते हैं कि इसमें ऐसे आज क्या कैसे क्या ट्रेड चल रही है। तो इसमें आज के दिन लगभग 5% के लोअर सर के देखने को मिल रहा है, जो कि 2.55 रुपये की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अभी ये 48.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक वीक में देखें तो एक वीक में इसमें लगभग 0.51% की गिरावट देखने को मिली, जो कि 25 पैसे की गिरावट है। देखें लगातार ये 3 दिन अपर सर्किट खाने के बाद 2 दिन इसमें अब लोअर सर्किट लग चुका है। एक मंथ में दिखाऊं तो एक मंथ में इसने भारी भरकम लोगों को पैसा बना के दिया था, अच्छे खासे रिटर्न, जो मतलब कि इससे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतने ज़्यादा लोग ये पैसा बना के दे देगा, उससे भी ज़्यादा इसने पैसा बना के दिया था। एक लिमिट होती है उसको भी इसने पार कर दिया था पैसा बनाने में और अब जाके इसमें जो है तेज़ी थमी हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ये देखें आप, इसमें लगभग एक महीने में 135.42% के आसपास की इसमें तेज़ी मिली है, जो कि 28.10 रुपये के आसपास की तेज़ी है। 6 महीने में देखा तो 6 महीने में तो इसने तहलका मचा के रखा है, लगभग 445% के आसपास के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। ऑलमोस्ट 39.90 रुपये की इसमें तेज़ी दिखाई दी है। आपको बताऊँ तो 40 रुपये की इसमें तेज़ी आना सिर्फ 6 महीने में एक शेयर के लिए बहुत ही, मैं बताऊँ कि वो होता है कि इससे बहुत कम शेयर होती है जिसमें ऐसा कुछ देखने मिले, क्योंकि ये आपको पता हो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी, काफ़ी कंपनी ज़्यादा कर्जे में थी, अच्छा खासा कंपनी पर कर्जा था, क्योंकि टेलीकॉम सर्विस की कंपनी है तो लॉस होना तो लाजमी है। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर जो था लगातार बढ़े जा रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसमें जो तेज़ी लगी हुई थी अब ये जो मैंने आपको, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें बताया था कि ये तेज़ी आपको थोड़ा सा सतर्क भी कर रही है कि सतर्क हो जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ अब गड़बड़ी होने वाली है, कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसमें ऐसा उन्होंने कोई ऑपरेशन तो किए नहीं है कि बहुत अच्छी इसमें इतनी तेज़ी दिखाई दे, हालांकि खबरें जो आई थी इसकी टाटा के सुपर ऐप से जो रिलेटेड खबर आई थी कि दिसंबर में इसका ऐप लॉन्च होने वाला टाटा का, जो कि FMCG और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारा सामान देगा, प्रोवाइड करेगा, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इससे ऐप होते हैं, वैसे ही बहुत ही तगड़ा ऐप होने वाला है, भारतीय ऐप होने वाला है और इस पर बहुत महत्वपूर्ण उतरन होने वाला था किसका, TTML का। इन खबरों की वजह से ये जो शेयर था बहुत ही तेज़ी पकड़े हुआ था, इन खबरों ने इसको ड्राइविंग फोर्स देने का काम किया था। लेकिन केवल यही खबर नहीं थी कि इन कि इस खबर से ये शेयर बढ़ रहा हो, इसमें साफ साफ जो मैंने आपसे बोला था कि ऑपरेटर गेम भी चल रहा है, ऑपरेटर्स जो हैं इसको ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें जो तेज़ी है वो उन्हीं लोगों की वजह से आ रही है जो ऊपर बड़े लोग बैठे हुए इस जो शेयर को ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े शेयरों को ऑपरेट करना तो मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा शेयर नहीं था, बहुत छोटा सा शेयर था, लेकिन इसको ऑपरेट करके बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए अब। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के बाद गिरावट देने देखने को मिल रही है और अब ये देख, मैंने आपको बताया था कि इसमें गिरावट आएगी तो ये लोअर सर्किट भी खा सकता है और इसमें देखिए अब लोअर सर्किट लग चुका है। अब इसमें आगे क्या होने वाला है तो हम इसके चलते हैं, आपको ले चलते हैं चार्ट पर। तो हम चार्ट पर आ चुके हैं, तो आपको मैंने बताया था कि इसका RSI जो था, अब देखिए तो RSI इसका 100 के ऊपर चला गया था, मैंने आपको आगाह किया था कि 100 एक समझ लीजिए बहुत ही एक ऐसा आंकड़ा है कि इतना ओवरबॉट जोन में चला गया था, मैं आपको मतलब सीधे सीधे शब्दों में कि ओवरबॉट जोन में चला गया था, इसको खरीदना, मैं आप लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं इसको खरीद सकता हूं, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको कभी भी आप पोजीशन बना सकते हैं, तो ये बात आपकी गलत होती हुई साबित हो रही। मैंने आपको आगाह भी किया था कि इसमें अभी पोजीशन होल्ड करना सही नहीं रहेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। अगर अपना ये हाई तोड़ देता, जो कि इसका 57 रुपये का हाई था, अगर इसको तोड़ता तो इसमें बहुत तगड़ी तेज़ी आती, लेकिन ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, उसके पहले ही ये गिरना चालू हो गया। तो अब इसमें क्या चल रहा है, तो इसका RSI देखें तो अब इसका RSI नीचे गिरना चालू हो गया है, इसका RSI 100 के पास होना बहुत ही दिक्कत की बात थी। तो इसमें जो हुआ है वो हुआ है एक पैनिक सेलिंग, मैं इसको एक पैनिक सेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है कि नेगेटिव न्यूज़ आई हो। इसमें क्या हुआ कि एक दिन लोअर सर्किट लगना चालू हुआ, थोड़ा सा गिरावट चालू हुई, तो लोगों को लगा कि अब इसमें दिक्कत होने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है, तो उसी पैनिक सेलिंग की वजह से इसमें जो है गिरावट देखने को मिली है और वही गिरावट इसको अब जो है नीचे और ले जाने वाली है। ये अब शेयर कहाँ तक नीचे जाने वाला है तो ये शेयर मैं आपको बताऊँ
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को आपको मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका RSI जो था बहुत हैवी पहुंच गया था, ओवरबॉट जोन में था ये शेयर। ओवरबॉट जोन का मतलब समझते हैं कि इसको खरीदना उस लेवल पर बहुत ही हानिकारक होता था, और जिन लोगों ने उस लेवल पर अपनी पोजीशन होल्ड की होगी तो वो बहुत ज़्यादा पछता रहे होंगे। और जो मैंने आपको बोला था कि इसमें आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चले, तो जिन लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो वो बहुत अपने आप को बहुत फायदेमंद समझ रहे होंगे, और इसने उन लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया होगा। और जो लोग उसमें बैठे हुए थे कि शॉर्ट टर्म में इसमें खेलेंगे और शॉर्ट टर्म से इससे बहुत सारा पैसा कमा लेंगे 1-2 महीने में, तो उन्होंने इसमें अब लॉस खा लिया होगा, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, वो लोग फंस गए होंगे कि अब इसमें लॉस है क्योंकि रख चुका है, तो अब वो बेच भी नहीं पा रहे होंगे। तो आपको यही करना है कि इसमें अभी अगर मैं आपको सलाह दूँ तो कि आपको बताऊँ, ये जो उसका लेवल था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो उसका 12 रुपए के लेवल था, इससे ये बढ़ना चालू हुआ था, सीधे इसने ऊपर की ओर चढ़ाई की थी, इसमें बिल्कुल भी एक भी दिन गिरावट देखने को नहीं मिली थी, लगातार ये ऊपर बढ़ रहा था। तो इसमें कोई भी, आपको पता है कि शेयर मार्केट का रूल ही है कि कोई भी शेयर सीधे ऊपर नहीं बढ़ता है, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही ना, तो ये वही इसका टाइम आ चुका है, अब इसका नीचे आने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कोई भी शेयर लगातार बढ़ता जाए ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, लगातार पैसा बनाता जाए, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं, केवल खबरों की वजह से एक शेयर का बढ़ना इतना ज़्यादा कोई आपको बताऊँ आपको बोली तो पुष्टि नहीं करता है कि ये शेयर इन्हीं खबरों की वजह से बढ़ रहा है। तो साफ साफ इसमें ऑपरेटर स्किम था, ऑपरेटर ने अपना हाथ खींच लिया इससे, तो देखिए अब ये नीचे आ चुका है। तो आपको इसमें आगे क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको जैसे इससे मौका मिले, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में खेल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 1-2 साल के लिए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप आराम से बैठिए और क्या क्या ही कर सकते हैं, आप आराम से इसमें इंजॉय कीजिए। और अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे थे, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें मौका मिलते ही इससे निकलने का ट्राई कीजिए, क्योंकि अब इसमें जो गिरावट आएगी तो हो सकता है ये बहुत नीचे चला जाए। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि इससे जैसे ही मौका मिले, सर्किट टूटता हुआ दिखाई दे, तो इससे टेम्परेरी रूप से निकल जाइए और अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते तो इससे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आप इसमें पूरी तरीके से इसमें मत बने रहिए अभी, अगर आप इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं, अगर रिस्क उठा सकते हैं तो कोई दिक्कत बात नहीं, रिस्क अगर नहीं उठा सकते आप तो इससे निकलने का ही ट्राई कीजिए। और अगर इसमें फ्रेश पोजीशन आपको बनाना है तो फ्रेश पोजीशन में अभी इसको अवॉइड कीजिए, फ्रेश पोजीशन आपको अभी नहीं बनाना है इसमें, जब तक ये और नीचे नहीं आया था इसमें आपको बिल्कुल भी पोजीशन होल्ड नहीं करना है, आपको फ्रेश पोजीशन इसमें नहीं बनाना है। जब ये नीचे आ जाए तो नीचे आप जब आ जाए तो इसमें आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। तो अब ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो इसके जो सबसे अच्छे सपोर्ट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सबसे अच्छे सपोर्ट जो रहेंगे, जो आपका पहला सपोर्ट रहने वाला है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 47 रुपये के आसपास का, तो 47 रुपये 30 पैसे का आपका पहला सपोर्ट रहेगा, जो कि उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि सपोर्ट टूट जाएगा जल्दी, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत कमज़ोर सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि जैसी इसमें गिरावट आने वाली है तो ये सपोर्ट बहुत ही कमज़ोर सपोर्ट रहने वाला है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, ये एक बहुत ही कमज़ोर सपोर्ट का काम करने वाला है। सेकंड सपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो है आपका 42 रुपीज़ के आसपास का, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है, क्योंकि इस सपोर्ट का अगर ये तोड़ता है तो जो अगले सपोर्ट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे फिर होने वाले हैं, क्योंकि फिर ये अगर इस सपोर्ट को तोड़ देगा 42 रुपीज़ का, तो अगले जो जो सपोर्ट होंगे वो इसकी लगभग 38 रुपये के आसपास के होने वाले हैं, और जो उससे भी नीचे जो सपोर्ट होगा वो रहेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 30 रुपये के आसपास का। तो ये सपोर्ट फिर तोड़ता है अगर 38 रुपये और 42 रुपये के आसपास के सपोर्ट को, तो अगले सपोर्ट के लिए फिर ये काफ़ी नीचे जाने वाला है, क्योंकि इसमें फिर भारी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ये भी पक्की बात है। तो इसमें आपको यही करना है कि टेम्परेरी रूप से अभी निकल जाना है, आपको यही मेरी सलाह है। इसमें ज़्यादा आपको कोई सोचने बिल्कुल विचार नहीं करना कि सोचते रहें कि क्या करें क्या करें, आपको यही करना है कि आपको इससे निकल ही जाना है, बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करना है। यही आपके सबसे पहले ड्यूटी क्या है कि आपको अपने सेलिंग ऑर्डर लगा देना है, आपका अगर लग अच्छा रहता है मार्केट सेशन में, प्री मार्केट सेशन जो होता है उसमें आप अपने सेलिंग ऑर्डर लगा दीजिए, आपका अगर लग अच्छा होता है तो आप उसमें अपने शेयर को बेच पाएंगे, वरना अगर आपका लग सही नहीं होता तो फिर आप इसमें बने रहेंगे, ये दिक्कत है आपकी। तो दिक्कत बस इसमें यही आई है कि इसमें कुछ नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैनिक सेलिंग चालू हुई है इसमें, क्योंकि कोई खबर नहीं आई है कि कोई खबर नेगेटिव आई हो कि इसके वजह से ये शेयर गिर रहा हो, तो इसकी केवल जो रीज़न है गिरने का वो उसमें केवल पैनिक सेलिंग है, जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, उसकी वजह से लोगों में पैनिक चालू हो गया है कि ये शेयर गिर रहा है, तो उसी वजह से ये गिरावट इसमें बनी हुई है। अब गिरावट ये मैंने बता दिया कहाँ तक जाने वाली है, ये इसके जो महत्वपूर्ण सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है 42 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ 45 पैसे और 38 रुपये 35 पैसे, ये दो आपके सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इन दोनों सपोर्ट को तोड़ता है तो सबसे जो लास्ट सबसे हैवी सपोर्ट जो है जो सबसे नीचे काम करने वाला है वो होगा इसका 31 रुपये का। अगर इन सपोर्टों को तोड़ता है तो जो बाकी सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे हैं, उनकी बात अभी नहीं करते हैं, अभी इन्हीं सपोर्ट पर हमें ध्यान रखना है, इन्हीं पोजीशन पर हमें ध्यान रखना है। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है तो इन सपोर्ट पर आने का इंतजार कीजिए, अभी इसमें फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी होल्ड मत कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर खेलना है लॉन्ग टर्म में आराम से इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको कुछ नहीं इसमें सलाह देना चाहूँगा तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसके लिए कुछ इतना कुछ खास नहीं है। अगर आपके जो टारगेट रहेंगे वो मैं आपको टारगेट दिया था याद होगा आपको 57 रुपीज़ का, जो अब यहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया, जो अब जब ये गिरावट जब खत्म हो जाएगी तब ये दोबारा से यहाँ तक पहुँचता हुआ दिखाई देने वाला है आपको। तो आपके टारगेट जो रहेंगे, टारगेट रहेगा 57 रुपीज़ का टारगेट, तो अभी क्योंकि लोग परेशान हैं तो टारगेट की तो इतना ध्यान लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो कर रहे हैं सपोर्ट्स का, तो सपोर्ट मैंने आपको दे दिया, टारगेट भी मैं आपको दिया 57 रुपये का, जिसने अपना हाई अपना तोड़ नहीं पाया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है सारे सपोर्ट्स को सारे लेवल्स को, और खासकर आपको RSI का भी ध्यान रखना है कि RSI अब ये गिरना चालू हो गया है तो इसके हिसाब से आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना हम पर प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।